नमस्कार, वेलकम ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द फ्लूट जर्नी फॉर एनी बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट। सो टू स्टार्ट विथ बांसुरी या फ्लूट, सो यू नीड ए बैम्बू फ्लूट। आपको ये बैम्बू फ्लूट चाहिए, तो ये सी स्केल का है। ऐसे आपको मार्केट में डिफरेंट स्केल का फ्लूट मिलेगा, तो जो भी आपको ट्यून फ्लूट मिलेगा, सो दैट विल बी इन, सो दैट एनी ट्यून फ्लूट इन हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन ट्यून, इट विल बी इन दिस गैप, द होल्स विल बी इन दिस गैप। देखिए आप, यहाँ पे कम गैप है, नी और सा के बीच में हमारा कम गैप रहता है। ऑल सिक्स होल्स आर नॉट इन इक्वल गैप्स, सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर यू कैन परचेस लाइक दैट। और आप ऑनलाइन से भी ले सकते हो, बट देखने ऑनलाइन में अराउंड आपको प्राइस डबल में आएगा। इन स्टोर में भी यू कैन गेट इट एट 500 और 600 और 700 एंड एट ऑनलाइन यू विल गेट इट एट मोर देन 1000 फॉर मोस्ट ऑफ द ट्यून फ्लूट्स। जस्ट आपको डेमो देने के लिए मैं दो टाइप का कंटेनर लाया हूँ, तो बांसुरी में कैसे साउंड आएगा। तो आपको ये छोटा सा मेडिसिन कंटेनर है, तो इसमें ब्लो करेंगे, तो एक ही एंगल में ब्लो करने से साउंड आता है। देखिए, सिमिलरली आई विल ब्लो दिस वन, इसको भी एक ही एंगल में ब्लो करने से साउंड आता है। तो बांसुरी के लिए भी सेम ही है, आपका एक ही पर्टिकुलर एंगल में साउंड आता है, नॉट इन एवरीवेयर। इफ आई ट्राई टू रोटेट मोर, लॉस द साउंड। हाँ, बांसुरी में माँ से शुरू किया जाता है, वी स्टार्ट फ्रॉम माँ, बिकॉज बाई डिफॉल्ट द ओपन होल फ्लूट इज लाइक तीव्र मध्यम, दैट इज द साउंड ऑफ तीव्र माँ। सो माँ यू हैव टू ब्लॉक इज ब्लॉक हाफ एंड देन स्टार्ट देयर। सो वी स्टार्ट फ्रॉम माँ इन फ्लूट, नॉट फ्रॉम सा। एकदम फर्स्ट स्टेप है कि साउंड लाना फ्लूट से। सो इफ आई होल्ड द फ्लूट लाइक दिस एंड टच द लोअर लिप एंड ट्राई टू ब्लो एंड ट्राई टू रोटेट द फ्लूट इन दिस लाइक दिस, सो एक ही एंगल में आपको सबसे ज़्यादा साउंड आएगा, यू विल गेट अ हाईएस्ट साउंड एट पर्टिकुलर एंगल। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड होल्ड दैट इन दैट पर्टिकुलर एंगल। Without blocking anything, so first get the sound. That is most important. Like get a consistent sound, at least for 3 to 5 seconds. You should play that. उसके बाद आप ये धीरे-धीरे हम लोग fingering, जैसे कि मा गा रे सा करके रखते हैं, मा गा रे सा। तो ये सी स्केल का फ्लूट है। मा गा रे सा इन फ्लूट वी स्टार्ट फ्रॉम मा गा रे सा, नॉट इन द अदर वे, बिकॉज एक एक सुर आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि बहुत लोग ये मा गा रे सा बजाने में एक वीक लग जाएगा, तो क्यों कि ये एक एक सुर आपको कंट्रोल करना होगा। सो ये पहला होल में आपका दो सुर है, मा और गा। ये हाफ प्रेस करके मा होता है, हाफ ओपन रहता है, दैट इज मा गा मा गा। वंस यू आर डूइंग इन द सेम ब्रेथ मा गा, देन यू कैन टेक वन मोर फिंगर टू ब्लॉक द नेक्स्ट होल। सो लाइक मा गा रे, इन द सेम ब्रेथ यू ट्राई मा गा रे सा, स्लोली स्लोली इन द सेम ब्रेथ यू ट्राई, तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड प्ले दैट। तो वंस यू आर कम्फर्टेबल इन मा गा रे सा, देन ओनली यू गो विद द रिवर्स वे। सो
रे सा सा रे गा मा. सो दिस प्रैक्टिस विल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक एटलीस्ट 1 वीक. सो डोंट वरी, इन द इनिशियल डे यू मे नॉट बी सक्सेसफुल इन द डे वन. ट्राई दैट एंड गेट ए कॉन्सिस्टेंट साउंड दैट इज एनफ फॉर डे वन. सो देन ट्राई टू अटेंड मागारेसा विद इन अ वीक. And after you gain the Magarisa sound properly, then the word will be there for the right hand. So right hand में हमारा पादानी सा आता है. So पादानी सा कैसे होगा? So सारा होल्स को ब्लॉक करना पड़ता है, तो पास साउंड रहेगा. And don't block the last hole. This is for tuning. Don't touch that. Your posture should be like this while blocking all of the holes. So, पादा, so एक एक फिंगर हम लोग पा के बाद उठाएंगे. पादानी सा, और जोर से ब्लो करना होगा ज्यादा. सो द ब्लोइंग प्रेशर ऑफ मागा रेसा इज एंड एंड पाधा निशा आर डिफरेंट. पाधा निशा यू हैव टू गिव मोर प्रेशर. एंड इट इज लाइक दैट द मोर द साउंड गोज एंड यू हैव टू गिव मोर मोर प्रेशर. लाइक पा में जो प्रेशर दे रहे हो, धा में थोड़ा ज़्यादा, नी में और थोड़ा ज़्यादा एंड सा में और थोड़ा ज़्यादा. बहुत सारे लोगों का ऐसे आ जाता है. सो दे इवन डोंट अंडरस्टैंड, दे आर प्लेइंग द लोअर ऑक्टिव. सो बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा आ जाता है इनिशियली, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द फुल प्रेशर. और एकदम सीधा बैठ के, स्ट्रेट बैठ के बजाना चाहिए, सो दैट यू गेन द एंटायर लंग्स प्रेशर. So once you are able to play Padha Nisa, go for the reverse one, Sa Ni Dha Pa. Reverse will be easier for you because you have attained the highest pressure in Sa. So that is easier. ठीक है, तो आपको अगर Padha Nisa आ जाएगा और Maga Resa आ जाएगा, now it is time to bridge them. एंड माँ इज द साउंड ऑफ ब्रिजिंग बोथ एरिया. ठीक है, ये माँ और पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लूट के लिए, बांसुरी के लिए. सो अभी आप पाधा नहीं से आएगा तो माँ पा धा ये बजाइए. माँ माँ पा धा, उसके बाद एक एक सुर बजाइए. माँ पा धा नी मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा. जैसे कि ये पा धा नी सा मा गा रे सा, ये मा पा धा नी, ये सबसे आपका माँ के साथ पा का मिलजुल हो जाएगा. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि माँ माँ में आपका ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओपन एक्सेप्ट हाफ ब्लॉक ऑफ दिस इंडेक्स फिंगर. एंड पा इज लाइक ब्लॉकिंग एवरीथिंग. सो मा पा गा पा मा पा गा पा धा, ज्यादा छोटा छोटा प्रैक्टिस आप कर सकते हो. मा पा धा गा पा, सो दैट आपका दोनों हाथ का सिंक्रोनाइजेशन ठीक से हो जाए, क्योंकि हम ये सब प्रैक्टिस तो कभी किए नहीं, दोनों हाथ का एक साथ सिंक्रोनाइजेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली, दोनों हाथ का सिंक्रोनाइजेशन. सो और एक चीज में बहुत ध्यान देना होगा कि कहीं कहीं ना लीकेज आ जाए. सो एक भी जगह पे आपका आपका अगर लीकेज आएगा बांसुरी बजाने के टाइम, तो आपका नॉइजी साउंड आता है. जैसे कि ऐसे ऐसे आता है इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे लीकेज रह जाता है. थोड़ा सा भी लीकेज होने पे नॉइजी साउंड आता है, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा.
ये सब लीकेज होगा, आपको बहुत दम लगेगा, ऐसे लग देगा साउंड नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है इनिशियली। तो उसके लिए एक दो तरीका है इसको करेक्ट करने का। एक तो यू हैव टू फिल द होल्स एंड ट्राई टू ब्लॉक द होल फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ योर फिंगर्स, बिकॉज दिस इज द थिकेस्ट सेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर थर्ड फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ऑल अदर होल्स शुड बी ब्लॉक विथ दिस सेक्शन ऑफ द फिंगर, ठीक है। और पोस्चर में आपको हाथ सीधा रखना है, दोनों हाथ ही सीधा रखना है, लेफ्ट हैंड थोड़ा एंगल में रखना है, सो दैट ये दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ये फिंगर्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। और एक चीज़ में ध्यान देना है कि आपका ब्लोइंग एरिया ऑफ योर माउथ दैट शुड बी राउंड फ्रॉम ओवल। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग बात करते हैं इसको, ये ओवल शेप का होता है, इसको आपको राउंड शेप करना है, जैसे कि हम लोग व्हिसल देते हैं, सो वी आर मेकिंग दैट राउंड होल फॉर ब्रिंगिंग द व्हिसल साउंड। सेम हियर आपको राउंड होल करना है तो लीकेज कम होगा, ये ब्लोइंग होल के आसपास बहुत लीकेज होता है वो कम हो जाएगा, तो आपका साउंड और भी करेक्ट होगा। राउंड नहीं आएगा तो ऐसा ऐसा होगा, बहुत लीकेज होगा, दम लगेगा ज़्यादा। तो ये करते करते आपका करेक्शन होगा, विद इन 2 वीक और 3 वीक्स लग जाएगा इनिशियली टू करेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड टू प्ले द सारेगामा पधानी से फुल्ली लाइक दिस।